नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आज सभी स्पेक्टर का आपका पेपर था और पेपर कैसा था, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। एक क्विक कह सकते हैं कि रिवीजन रहेगा कंप्लीट पेपर का, जिनका भी फीमेल एसआई का पेपर है उनके लिए। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो किस लेवल का पेपर रहेगा, तो ओवरऑल हम बात करें तो काफ़ी ईजी पेपर यहाँ पर रहेगा। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने सारी चीज़ें देखेंगे। एक तो देखिए, हम कह सकते हैं कि एक कल जो एक छोटा सा प्रयास किया था वो हमारा सफल हो चुका है। कौन सा? कि हमने एक छोटी सी 1.5 घंटे की क्लास डाली थी जिसमें हमने क्विक रिवीजन लिया था जीके का। उसमें 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। कौन कौन से आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1857 के विद्रोह में जो बहादुर शाह जफर, जो हम कह सकते हैं आखिरी मुगल शासक, उसको कहाँ पे निर्वासित किया गया था, म्यांमार बर्मा की जेल में, तो आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में हमने बात की थी, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है कौन सी सर की या नाइटहुड की उपाधि हम कह सकते हैं। अगर आपने क्लास देखी होगी तो एज इट इज़ क्वेश्चन यहाँ पे जो है आए हुए हैं। तो बस कह सकते हैं एक छोटा सा प्रयास था वो जो है सफल हो चुका है, और दिल से खुशी भी होती है इस तरह की। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे राय बहादुर की उपाधि सर छोटूराम, तो ओवरऑल अगर हम बात करें में तो आपका जो है पेपर बहुत आसान था। और कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए हरियाणा जीके के हम कह सकते हैं कई तो क्वेश्चन थोड़े से हम कह सकते हैं डिफिकल्ट टाइप के हो जाएंगे, जो किसी भी बुक में नहीं है, और बाकी कई तो बिल्कुल आसान से है, जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये तो आपको हर एक बुक में भी मिल जाएंगे। उसके अलावा आपके कौन से वो क्वेश्चन जो कि कई बार यहाँ पे रिपीट हुए हैं। अब ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए जो हमने जुलाई अगस्त का जो पेपर सॉल्यूशन किया था उसमें देखिए पीवी संधू का जब नाम आया था तो मैंने आपको बताया था कि टोक्यो ओलंपिक के बारे में भी बताया था, और साथ ही इनका पूरा नाम मैंने हर बार जोर दे के बताया था कि इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, पुसरला वेंकटा संधू। अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको अच्छे से पता है, ये वाला नाम आपको याद भी हो गया होगा। तो इस तरह से आप देखोगे तो लगभग क्वेश्चन जो है हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से भी क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ एक नए भी देंगे अजीब टाइप के। आप देख सकते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी जो है, इनके खदरी से क्या अभिप्राय है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। गो सेवा के अध्यक्ष यहाँ पे श्रवण कुमार गर्ग, तो ये जो कौन से राज्यपाल के बारे में हमने क्लास की थी, डिटेल में एनालिसिस किया था, 18वें जो है राज्यपाल के रूप में यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो थोड़े बहुत यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आईपीसी धारा का जो है हम कह सकते हैं 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं पूछा गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, एनिमल हस्बेंड्री की तो देखें तो आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, एनिमल हस्बेंड्री का बकरी का वैज्ञानिक नाम, और ये नाम अगर हम देखें तो आपका पहले भी पूछा जा चुका है, हमने पहले भी किया है। तो यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्रीवियस ईयर पेपर जो रहेगा वहाँ से ये वाले क्वेश्चन पूछे गए। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कौन सा जिले के बारे में पूछा गया कि जिला नहीं है मगर पुलिस जिला है, तो कौन सा? हंसी वाला। और उसके साथ पीएसटी जो आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, तो ये पेपर की हम बात करें, वो पहली बात ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है बबलू भाई ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम यहाँ पे देखें तो आपके सामने नेक्स्ट देखिए हरियाणा पुलिस का मोटो, देखिए ये क्वेश्चन तो आपके फीमेल के 2 पेपर में आ गया और यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो चुका है, तो हो सकता है आगे भी रिपीट कर दीजिए। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, आपके हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन अभी दिया गया, पिछली बार ये सोच रहे थे कि हिंदी और इंग्लिश क्या पता यहाँ पे ना दे, और हिंदी और इंग्लिश कैसी दिया है, तो बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे है नहीं अगर इसमें देखें। और बाकी जैसे कि हमने हिंदी का डिटेल एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग देखें तो विशेषण के प्रकार यहाँ पे आ जाएंगे, विश्वामित्र का संधि विच्छेद, और यहाँ पे कौन सा समास के बारे में आएगा, और ये रूढ़ योगी योगरूढ़ के बारे में हमने पढ़ा था, ये सारे के सारे डिटेल में ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो सारा का सारा पेपर अगर हम ओवरऑल बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर से जो है यहाँ पे पूछा गया। इंग्लिश के भी यहाँ पे 3 से कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 3 और 2 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, और यहाँ पे देखें तो आपके 3 और 3 6 क्वेश्चन यहाँ पे हम कह सकते हैं हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी की होगी, हरियाणा जीके के हम कह सकते हैं आसान से क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर के भी यहाँ पे पूछे गए हैं। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं आपके मैथ के, मैथ और जो रीजनिंग है कह सकते हैं बिल्कुल इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं पूछी गई है, और ना आपके कह सकते हैं एडवांस या एनसीईआरटी मैथ से पूछा गया, बिल्कुल सिंपल हम कह सकते हैं अर्थमेटिक मैथ या हम कह सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल रहेगी यहाँ पे। और यहाँ पे वो वाले क्वेश्चन जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, देखिए 10% लंबाई वृद्धि करने पर चौड़ाई कितनी कम हो जाएगी, तो 10 से 11, 11 से 10, 1/11, यानी 9 से 11, 1/11, इस तरह के क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान से हम कह सकते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर के भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए 20, 60, 120 और 210, इसमें कौन सा जो है लॉजिक लगेगा, तो 3 का क्यूब -3, उसके बाद 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6 और 7 का क्यूब -7 हो जाएगा, तो 7 का 343 में से 7 गए कितना, 336 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके जुलाई अगस्त के पेपर में भी पूछा गया, तो वहाँ पे भी हमने इसको सॉल्यूशन किया था। नेक्स्ट देखिए सबसे छोटी बिन के बारे में हमने डिस्कस किया था, किस तरह से करोगे, तो 12/13, 14/19 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको चेक करेंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि हर एक चीज़ें एक दूसरे
कटती जाएगी। अब यहाँ पे हमें सारी की सारी चीज़ें तो करनी नहीं है कि हमें ये बताना है सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे पहले इन दो को आप मैच करो, जो बड़ी आ जाएगी वो हम आगे लिख लेंगे, कौन सी यहाँ पे सबसे छोटी बतानी है तो बड़ी को हम काट देंगे, उसके बाद छोटी उठा लेंगे, छोटी को हम दूसरे से कंपेरिजन करेंगे, जो उनमें बड़ी होगी उसको भी काट देंगे, छोटी को रख लेंगे। तो इस तरह से आप जो इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपके सामने ये दिया गया है, आपको जोड़ा जाए तो आपका 9 से भाज्य हो जाए, क्या बनेगा? तो देखिए 9 और 3 से अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 9 से वो संख्या भाग होगी जिसके टोटल संख्या जो है उनका जोड़ अगर 9 से भाग हो जाए। अब इसने पूछा 9 से भाग होने वाले तो 4 और 3 7 और 2 9 और उसके बाद कितना 6, तो लास्ट में कितना 6 बचा है, तो यानी कि 6 में कितना 3 और जोड़ेंगे तो 9 से पूरा भाग होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे देखें तो ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट पूछा नहीं गया, लॉन्गेस्ट बोन आपकी कौन सी फीमर और आपकी सहवाल की स्टडी फाइकोलॉजी, उसके बाद ये देखिए जो कल की शाम को हमने जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि किसने डिस्कवर किया था, तो बिल्कुल यहाँ पे एज इट इज क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। और आगे हम यहाँ पे बात करें तो आपका कौन सा आरक्षित सीट से, देखिए हरियाणा जीके की अगर आपने क्लास देखी है तो मैंने आपको हर बार ये चीज़ बताई है कि यहाँ पे आपकी आरक्षित सीट है, इसके आपकी आरक्षित सीट ये है, यमुनानगर की आपकी साडोरा है, रेवाड़ी की आपकी बावल है, सिरसा की आपका काड़ावाड़ी है, और यहाँ की आपकी पंचकूला की आपकी नहीं है, दादरी की नहीं है, फरीदाबाद की नहीं है, तो उपरोक्त सभी। इस तरह के क्वेश्चन आप देखोगे तो बिल्कुल कह सकते हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर के जो है लगभग यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। और यहाँ पे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा, तो एक आपका गेहूँ की फसल के बोते समय कितना तापमान जो है वो चाहिए वो यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट कृषि से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन, अश्व अनुसंधान केंद्र आप यहाँ पे देख सकते हैं कब खोला गया, यहाँ पे 1986 दो बार दे रखा है, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे कौन सा है 7 जनवरी 26 जनवरी ये यहाँ पे दिया गया। तो कहीं कहीं हम कह सकते हैं आसान पे पड़ेगा, थोड़े बहुत जो है थोड़े लेंथी क्वेश्चन दे रखे हैं। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो कहाँ पे पूछे गए, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन एज इट इज़ वो क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे जुलाई और अगस्त के महीने में पूछे गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं होम एंड की ये वो क्वेश्चन है, डिट्टो के डिट्टो यहाँ पे पूछे गए, जुलाई अगस्त के पेपर में हमने कंप्यूटर का अलग से एनालिसिस किया था। उसके बाद जेनरिक शब्द हार्डवेयर के लिए जो है किस टुकड़े से संबंधित हो जाएगा, तो किसी आपके डिवाइस से जुड़ा हुआ ये डिट्टो क्वेश्चन आपका जुलाई अगस्त के पेपर में। नेक्स्ट देखिए बैक स्पेस वाला क्वेश्चन, डिट्टो आपका क्वेश्चन उस पेपर में भी पूछा गया था, तो आपका कहाँ पे जब हम बैक स्पेस इस तरह से हमारा कर्सर होगा तो इस साइड के वो करेगा ना यहाँ पे, जब हम इसको बैक स्पेस को मान लो जो लेटर जो है उनको डिलीट करेंगे तो बैक स्पेस को जब हम प्रेस करेंगे तो आपका कौन सा यहाँ पे कर्सर होगा, तो कर्सर के किस साइड के, बाईं साइड के हम कह सकते हैं आपके इस साइड के जो है उनको रिमूव करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन, डिट्टो उठाया गया उसमें से और आपका सीपीयू रैम को जोड़ता है केवल मेमोरी पते हैं एड्रेस पते हैं, और आपको याद भी होगा ये वाला क्वेश्चन शायद जुलाई अगस्त के पेपर में, शायद स्टार्टिंग के 2 या 3 अगस्त के पेपर में से क्वेश्चन आया था और मैंने आपको बताया था यहाँ पे एड्रेस है, तो इसके अकॉर्डिंग एड्रेस जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा और बिल्कुल यही रहेगा। तो अभी फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम है, उन सभी को ऑल द बेस्ट, पहली बात तो ये, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आराम से पेपर देके आना, बिल्कुल आसान सा पेपर आएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं आने वाला। और वैसे भी मेल और कांस्टेबल की अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस चीज़ का आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला कि कहीं आप सोचो कि हाँ मेल कांस्टेबल का इतना आसान है हमारा डिफिकल्ट आ गया हमारे नंबर कम आ गए, तो वो तो आप कह सकते हैं मेल फीमेल का अलग अलग सिस्टम है। अब अगर आपके पास टाइम है तो एक कंप्यूटर का आप क्विक रिवीजन ले सकते हैं, कंप्यूटर की क्लास आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, और अगर आप माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल भी अभी मत पढ़ें। और उसके बाद देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सामने जो रहेंगे बिल्कुल वही क्वेश्चन जो कि पहले के एग्जाम में पूछे गए, अगर जिन बच्चों ने क्लास देखी है ना वो कमेंट करके ये बता दो कि हमने ये वाले क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट जर्मन विधानसभा वाला क्वेश्चन जुलाई अगस्त के पेपर में जीके में आया था, ब्रिटिश काल में हरियाणा पंजाब का हिस्सा था उसमें आया था। नेक्स्ट देखिए वेब सर्वर वाला वेब पेज वाला पहले पूछा गया। नेक्स्ट ये वाला देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जुलाई अगस्त के महीने में जिसका हमने डिटेल सॉल्यूशन किया था। उसके बाद कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव वाला मार्शल आर्ट कला वाला जो है ये बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस किया था। उसके बाद किम्बरले की खान जो है ये वाला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता वाला क्वेश्चन ये जो हम कह सकते हैं पीछे 2018 में सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखिए दंड संहिता यानी आईपीसी से जुड़े हुए क्वेश्चन अगर हम देखें तो ज़्यादा कह सकते हैं धारा को पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा आपके सामने ये वाला है, बाकी यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं कह सकते हैं आईपीसी से जुड़े हुए। उसके अलावा देखिए यहाँ पे वेलेथोल मेनन जिससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये जुलाई अगस्त के महीने में पेपर से क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन जो हम कह सकते हैं मैथ का क्वेश्चन आसानी था। उसके बाद देखिए थानेसर में जो है भारी मिट्टी को क्या कहते हैं, तो हमारी जो कौन सी डाकर के बारे में हमने पढ़ा था, थानेसर की कुरुक्षेत्र करनाल और कैथल में 3 KM हम कह सकते हैं भारी मिट्टी जो पाई जाती है थानेसर पर आक्रमण वाला 2014 वाला। और ये देखिए विटामिन के बारे में कल शाम को जो स्पेशल क्लास की थी उसमें हमने डिस्कस किया था विटामिन सारे के सारे, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें
तो रीजनिंग और मैथ के ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे थी नहीं, हम कह सकते हैं ना तो ज़्यादा एनसीईआरटी मैथ से पूछे गए, ना ज़्यादा अर्थमेटिक का एडवांस नहीं पूछा गया, अर्थमेटिक और हम कह सकते हैं बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। और ये वाला मुर्गी और गाय वाला जो क्वेश्चन है, चार पैर दो पैर वाले, कितनी बार हमने क्वेश्चन किया, किस तरह से करेंगे, जो पैर की संख्या उनको आधा करेंगे और माइनस में से सिर की संख्या माइनस करेंगे तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, चार पैर वाले जानवर जो है वो आ जाएंगे। तो उसके बाद दो पैर वाले निकालने हैं तो 48 में से दो चार पैर वाले माइनस कर दो तो वो आ जाएंगे। उसके बाद सम संख्या, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन है प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन आया हुआ। तो बाकी हम कह सकते हैं ओवरऑल क्वेश्चन जो है आपका आसान ही रहेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे है नहीं, कुछ क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट हो जाएंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन में हमने किया था कौन सा भिंडावास और जो सुल्तानपुर वाला जो हमको आदर भूमि या वेटलैंड में शामिल किया गया, कितनी दो हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पेपर का लेवल जो है वो ईजी ही रहेगा अगर आपने प्रीवियस पेपर जो है अच्छे से कवर किए हैं। बाकी जिन बच्चों ने अगर पहले क्लास देखी है तो वो बता सकते हैं कमेंट करके कि हाँ हमने ये सब पहले किए। ये वाला देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन पहले आया हुआ है लेकिन आसान ही रहेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे हम कह नहीं सकते। हाँ थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं लगभग 70% के आसपास जो है पेपर बिल्कुल आसान था, 30% थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो सकता है। और यहाँ पे सीटिंग की बात करें तो लगभग बच्चे कितने प्रेजेंट हुए, तो 65% के आसपास हम कह सकते हैं, 60-65% बच्चे जो है प्रेजेंट थे एग्जाम देने के लिए वहाँ पे। तो ये हम कह सकते हैं क्विक रिवीजन था आप सभी के लिए। अगर फीमेल कांस्टेबल का जो भी एग्जाम है अगर आपके पास टाइम है तो आप कंप्यूटर का कवि की रिवीजन ले सकते हैं, एक क्या पता कंप्यूटर के डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे आ जाए। इस पेपर में लगभग क्वेश्चन सारे के सारे डायरेक्ट आए हुए हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। तो अब फीमेल कांस्टेबल का जिनका एग्जाम है, पहली बात तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका पेपर जो है बिल्कुल बढ़िया होगा, बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर जाएं। और सभी को ऑल द बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टेंशन फ्री होकर करें। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था लगभग क्या हो जाएगा, आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे, आपको क्या करना है पहले तो सारे के सारे 1 से 100 तक सारे के सारे क्वेश्चन देखने हैं। जो क्वेश्चन आप पे 100% श्योर हो उस क्वेश्चन के पहले सर्कल फिल करो, उसके सर्कल फिल करने के बाद दोबारा से पहले पे आओ, दोबारा जिनमें आपको 70% क्वेश्चन आते हैं जो सोल्व करने हैं, मैं तो रीजनिंग के अगर थोड़े से लेंथी लगते हैं तो उनको एक बार छोड़ दो, उनको पहले मत करो, पहले आपको वो करने हैं जो एक बार में जीके टाइप में जो या हिंदी टाइप में जो क्वेश्चन आएंगे वो करने हैं। मैं तो रीजनिंग का अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ तो आपके जीके के भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत करवा सकते हैं। तो एक बार दोबारा से पूरे पे रिवाइज मारो, 100 क्वेश्चन तक दोबारा से सर्कल फिल करो। इसमें क्या हो जाएगा कि आपके सर्कल हम कह सकते हैं कुछ बच्चों के ऐसे होते हैं उनके राइट आंसर भी उनको पता होता है लेकिन लास्ट में क्या होता है सर्कल फिल करने उनके रह जाते हैं, तो ये जो है वहां पे मिस्टेक आपकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये क्विक रिवीजन था आप सभी के लिए। अब सभी को ऑल द बेस्ट और अच्छा सा एग्जाम करके आना, और आके सभी जो है कमेंट जरूर करना कि आपका एग्जाम जो है कैसा हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं शाम को कह सकते हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।